अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जब हमको किसी को भी कुछ बोलना होता है या किसी को मैसेज पहुंचाना होता है, पैगाम पहुंचाना होता है, तो हम कैसे पहुंचाते हैं या कैसे करते हैं? मोबाइल से। ओके, तो आज हम ऐसे करते हैं ना, मोबाइल से। हाँ। है ना, लेकिन आपको पता होगा कि पुराने जमाने में फोन था क्या? नहीं। तो सोचा है कभी कि वो लोग कैसे भेजते होंगे? हाँ। कैसे? खत से। ओके, खत से भेजते थे, लेकिन खत भी बहुत बाद में आया है। पहले खत लिखने से भी पहले बहुत चीजें थी जिससे वो मैसेज भेजा करते थे। तो आपको कुछ आइडिया है कि कैसे कैसे वो लोग मैसेज भेजते थे? लैपटॉप। अभी जैसे आपने खत बोला, यस, खत से भी मैसेज भेजा जाता था पहले। वो उससे भी पहले जब खत का जो सिस्टम है वो भी नहीं था, उससे भी पहले लोग अलग तरीकों से और मैसेजेस भेजते थे। कैसे? पहले क्या बोला? लैपटॉप भी अभी है ना बेटे, पहले जमानों में कहाँ था लैपटॉप? है ना, पहले के जमानों में नहीं था। तो पहले के जमानों में कैसे खत भेजा जाता था? वो कबूतर के थ्रू। कबूतर पता है ना, कैसे पता चला आपको? कबूतर के थ्रू खत भेजा जाता था। यस, मूवी में। कौन सी मूवी में देखा है? ओके, कबूतर। तो कबूतर के थ्रू पैगाम भेजा जाता था, मैसेज भेजा जाता था, है ना। फिर उसके बाद क्या होता था? कबूतर के बाद क्या हुआ? कोई इंसान भाग के भी खत पहुंचाता है। मतलब सपोज अभी उनको पुणे से हड़पसर जाना है, तो एक इंसान पर्सन होता था जो भाग के खत पहुंचाता था, जिनको खत देना है। यस, तो इस तरीके से भी खत पहुंचा जाता था। पहले कैसे? कबूतर से, फिर कोई भाग के खत पहुंचाता था। फिर उसके बाद कैसे होता था? जब अभी सपोज एक मोहल्ला है, आपका मोहल्ला होगा, वहां पे ना एक इंसान आता था जो ना ऐसे ढोल बजाता था, ऐसे ड्रम स्टिक, ढोल बजाता था, ऐसे ढोल बजा के लोगों को बुलाता था। फिर सारे लोग ऐसे जम जाते थे, और फिर उनको पता था ये ढोल किस लिए बज रहा है। उनको पता था कि जरूर किसी ना किसी के पैगाम आए होंगे। तो सारे जब लोग आ जाते थे तो जो ढोल बजाने वाला इंसान है सबको लेटर्स मैसेजेस दे देता था, जैसे भी देना हो, माउथ थ्रू या जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी ढोल बजाते हुए भी इंसान को मैसेज पहुंचाया जाता था पहले। फिर उसके बाद क्या होता था कि कोई ना ऐसे सिग्नल जैसा, स्मोक सिग्नल, मतलब कि ऐसे कोई गॉन बजता था, मतलब कि दूर गॉन बज रहा है ना, अभी उधर दूर गॉन बज रहा है, इसका मतलब ये होता था पहले कि किसी ना किसी का पैगाम आया है। तो लोगों को पहले पता चल जाता था, जो लोग यहाँ पे रहते हैं दूर से देखकर उनको पता चल जाता था, अच्छा वो ऐसे धुएं जैसा उड़ रहा है, मतलब किसी ना किसी का पैगाम है, वो पैगाम का गॉन है। तो इस तरीके से भी फिर उसके कहीं जाने के बाद खत आया। जैसे खत का पता है ना आप लोगों को, खत कैसे हम लोग लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस से एक इंसान डिलीवर करता है, फिर जाके आपका खत जिसको देना चाहिए उधर तक पहुंच जाता है ना, करेक्ट ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? खत आए, फिर उसके बाद और क्या हुआ? उसके बाद जो है हमारा टेलीग्राम आपने नाम सुना होगा, है ना। हाँ, फिर कैसे होता था? टेलीग्राम से भी लोग पैगाम पहुंचाते थे। जब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और पैगाम पहुंचाने के लिए, फिर उनको कैसे होगा कि अगर कोई सपोज नागपुर में रह रहा हो, हाँ, और कोई पुणे में रह रहा हो, तो नागपुर वाले को अगर पुणे में किसी बहन को या किसी भी रिश्तेदार को पैगाम भेजना हो तो उनको वहां से आना पड़ता था, जिसमें क्या होता था, बहुत वक्त लगता था। तो फिर कैसे हुआ? टेलीग्राम जो चीज है वो आई। तो अगर अगर किसी को पैगाम पहुंचाना हो, जैसे आपको नम्रा को पैगाम पहुंचाना हो नागपुर से पुणे तक, तो आप क्या करोगे? नागपुर वाले पोस्ट ऑफिस में जाओगे, वहां पे आपका पैगाम लिखाओगे कि क्या पैगाम है, फिर वहां के पोस्ट ऑफिस वाले पुणे के पोस्ट ऑफिस में कॉल करेंगे और वो फिर उनका पैगाम लिखकर नम्रा तक पहुंचा देंगे। समझ में आया? इस तरीके से फिर टेलीग्राम आया था और टेलीग्राम इस तरीके से वर्क करता था। उसके बाद क्या आया? मोबाइल फोन। बट इससे भी पहले क्या था, याद करो, या आपको आइडिया है इसको कुछ? टेलीफोन पता है? हाँ, वो जिससे कॉल करते थे, रेड बॉक्स का डब्बा होता था, हर एक जगह जगह पे वो रहता था। फिर वहां पे हम क्या करते थे? कॉइन डालते हैं, है ना। अभी तो आपके टाइम पे भी नहीं है, आपके टाइम पे तो फोन ही आ गए, लेकिन वो कैसे वर्क करता? आपने कोई मूवी वगैरह में या कार्टून में भी देखा होगा, कार्टून में भी दिखाते हैं। तो उसमें हम कैसे करते थे? कॉइन डालते थे और फिर कॉल लगाते थे,
फिर वो कॉल रिसीव होता था, तो आप कैसे यहाँ पे भी बैठ के दूर तक की कॉल कर सकते थे, है ना। हाँ। लेकिन उसमें कैसे, अगर आपने 1 रुपए डाला है तो वो उतनी ही देर मैक्सिमम टाइम, जितना टाइम लिमिट होता है उतनी देर बात होती थी, फिर कॉल कट जाता था, है ना। तो इस तरीके से भी बात होती थी। उसके बाद जाके फिर हमारे सेल फोन, मोबाइल फोन आए, जिसमें हम, हमारे हाथ में फोन है और हमको अगर नागपुर तक भी किसी को मैसेज भेजना, तो तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता है कि हम उनको मैसेज करें और वो उधर तक पहुंच जाए। तो कितना इजी हुआ है पहले, कैसे 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 कैसे, फिर कितना इजी। आज आज आप लोग देखते होंगे आपकी अम्मी, आपके अबू, किसी से भी बात करते होंगे रिश्तेदारों से, तो वो कितने दूर दूर रहते होंगे ना, कोई गांव में रहता होगा, कोई दूसरे इसमें रहता होगा, डिस्ट्रिक्ट में रहता होगा, है ना। तो फिर भी बात होती है ना। तो क्या आपके अब्बू को क्या उनके उधर जाना होता है, जैसे अभी पुणे में आपके अब्बू, तो नागपुर जाके या नासिक जाके बात करनी होती है? नहीं, यहाँ से अगर वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो तुरंत बात हो जाती है। तो कितना इजी हुआ है ना पहले से, है ना। तो ये सब जो है हमने देखा, क्या देखा, ये मैसेज कैसे 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 कैसे, और अब भी कितना इजी हो गया है ना। समझ में आया आपको? आप बोलोगे हमने कैसे देखा, पहले क्या होता था, फिर क्या होता था, कैसे मैसेजेस, आप लोग बोलो जो भी आपको याद है, किस किस तरीके से पैगाम पहुंचाए जाते थे, मैसेजेस पहुंचाए जाते थे। हाँ, गुड। टेलीग्राम से। वेरी गुड। गुड। फिर हाँ, गुड, टेलीग्राम पर, है ना। फिर खत, है ना। फिर वो ड्रम बजाया जाता था, फिर गॉन, है ना। इस तरीके से मैसेजेस पहुंचाए जाते थे, है ना। समझ आ रहा है आपको? गुड, थैंक यू। थैंक यू।